आज से दिल्ली में वन महोत्सव की शुरुआत होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वन महोत्सव की शुरुआत करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गोपाल राय कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का समापन समारोह 20 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में होगा। वन महोत्सव कार्यक्रम में ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत होगी। यहाँ से दिल्ली के लोग मुफ्त में पौधों की बुकिंग कर पाएंगे। दिल्ली की सभी लोकसभाओं में इस महाअभियान को मनाया जाएगा। साथ ही निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण इस महोत्सव के दौरान किया जाएगा। और बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, थोड़ा बताइए, ये वन महोत्सव सब पूरे दिल्ली के लोग सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, आपको बता दें कि आज वन महोत्सव की शुरुआत दिल्ली सरकार कर रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि 5 सालों में हम 2 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, और उसी कड़ी में ये वन महोत्सव हर लोकसभा में मनाया जाएगा। आज इसकी शुरुआत पूसा से हो रही है, और इसके उद्घाटन के दौरान जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो मौजूद रहेंगे, और इसका समापन 20 अगस्त को होगा छत्रसाल स्टेडियम में, और उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि आज ठीक है बलराम, मैं आपको रोकूंगा। तो आज से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वन महोत्सव की शुरुआत करेंगे। 20 तारीख को छत्रसाल स्टेडियम में इसका समापन होगा। सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस वन महोत्सव को मनाया जाएगा। और इस वन महोत्सव के जरिए कोशिश यही है कि दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट है उसको और बड़ा करना, उसको और विकसित करना। तो दिल्ली में आज से वन महोत्सव की शुरुआत होगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वन महोत्सव की शुरुआत करने हैं। फिर बलराम पांडे एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आप अपनी बात को प्लीज कंप्लीट कीजिए। देखिए, आपको बता दें कि जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो इस वन महोत्सव का शुभारंभ आज करेंगे, और सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये वन महोत्सव मनाया जाएगा। 20 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में इसका समापन होगा, और उस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इस वन महोत्सव का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के अंदर वृक्ष लगाए जाएं, ताकि ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जाए, और जो पर्यावरण संरक्षण की बात दिल्ली सरकार करती है उसको भी बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हम 5 सालों में कम से कम 2 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, और उसी कड़ी में ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के अंदर वृक्ष लगाए जाएं, और पर्यावरण को जो बचाने की कवायद दिल्ली सरकार कर रही है वो और तेजी से चल सके। आपको बता दें कि अब तक लगभग 1.5 करोड़ जो वृक्ष है वो दिल्ली के अंदर लगाए जा चुके हैं, और लगातार जो वृक्ष लगाने की कवायद है वो दिल्ली सरकार कर रही है। आपको बता दें कि आज एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिस पर दिल्ली के लोग अपने पौधे को निशुल्क बुक करा सकते हैं। उन्हें कौन सा पौधा चाहिए, किस नर्सरी में मिलेगा, वो पूरी डिटेल पोर्टल पर होगी, जिसके जरिए वो आसानी से बुक करा करके पौधा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो औषधि वाले पौधे हैं वो भी इस पोर्टल के जरिए बुक कराए जा सकते हैं, और साथ ही दिल्ली सरकार ये पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो पौधे लोग लेकर के जाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से, वो अपनी एक सेल्फी खींच करके इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ताकि दिल्ली सरकार भी उस